एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, 13 अप्रैल 2023 आज 10:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 71,000 युवाओं को आज सीधे वर्चुअल नियुक्ति पत्र दिया गया। तो इसी क्रम में साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची बोर्ड में हमारे साथ बहुत भाई जुड़े हुए हैं जिनको आज ये एक्सप्रेस करने का मौका मिला रोजगार मेला में, और इनको बुलाया गया था। तो जानते हैं भाइयों से सीधा जुड़ करके क्या क्या प्रक्रियाएं हुई और कौन कौन सा डिपार्टमेंट इनको अलॉटमेंट हुआ और कहां से आए हैं। तो भैया आपका समय बोलिए जी, आप कहां से आए हैं? पूर्व में जी। आपका? अहमद इशाद अंसारी, पटना से। पटना से आए भैया? आपका? अच्छा भैया, आप जैसे कि बात करें तो आपको रोजगार मेला के बारे में ईमेल के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म किया गया? पहले कॉल आया था, पहले हमारे डिपार्टमेंटल ऑफिस से कॉल आया था। कॉल पर उन्होंने कहा था कि आपको 30 तारीख को आना है, तो 30 को डेट पोस्टपोन कर दिया गया 10 बोले। फिर कुछ दिन के बाद दोबारा कॉल आया कि नहीं, 13 को होगा फाइनली, और 11 को हम लोग को मेल आया था और मैसेज आया था, और 12 को ग्रुप बना था व्हाट्सएप पे, उस पर हम लोग को ऐड किया गया था। सारा इन्फॉर्मेशन उसी पर दिया गया था, एक और नंबर उसको दिया गया था कि उसको ऐड करना है, उसी पे यहाँ का जो फोटोज है वीडियो में कैंडिडेट बाई डिपार्टमेंट। अच्छा, जैसे कि 12 तारीख को आप लोग चले होंगे वहाँ से, तो 12 को चलने के बाद 11 को चलने के बाद 12 को पहुँचे यहाँ पर, तो उसके बाद DRM ऑफिस में कितना बजे रिपोर्ट की? हम लोग को कॉल से बोला गया था कि रोजगार मेला तो 13 को है, लेकिन आप लोगों को 12 को 3 बजे यहाँ रिपोर्ट करना है। 11 को इन लोग यहाँ पे निकले थे, 12 को आए, 12 को दोपहर में यहाँ पर रिपोर्ट किए थे 2 बजे के आसपास। काम वहाँ से होने के बाद हम लोग ID बनवाया गया था, ट्विटर ID, इंस्टा ID, फेसबुक ID, वो बनवाने के बाद फिर हम लोग का नाम नोट करके बोला गया कि नेक्स्ट डे आप लोग को 7:30 बजे इंस्टीट्यूट में यहाँ पे आप लोगों को रिपोर्ट करना। तो जब यहाँ पर 7:30 बजे आप लोग रिपोर्ट किए, तो हालांकि ऐसा भी बहुत सारे कैंडिडेट था जो 7:30 बजे मुझे मिला था, जिनको TRD डिपार्टमेंट अलॉट हुआ था, लेकिन उनको अंदर ढूंढने नहीं दिया गया, शायद उनको कहा गया कि आज जो है सीट पूरा हो गया। तो ये तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है दूर से आए हुए थे और उनको बुलाने के बाद यहाँ पर मौका ना देना, तो ये तो बहुत ही गलत बात है, उनको भी शायद मौका देना चाहिए। खैर, अगर बात करें यहाँ पर 7:30 बजे के बाद जो अंदर में जो भी प्रक्रियाएँ हुई, तो उस अंदर जाने के बाद क्या क्या प्रक्रिया हुआ, क्या क्या ब्रेकफास्ट हुआ, और आप लोगों को लंच में क्या दिया गया, और अंदर में कैसे संबोधन हुआ, क्या क्या आप लोगों को सम्मान मिला? एक्चुअली बात है सर कि अभी जो आप बोले कि कुछ लोगों को नहीं आएंगे, उसमें क्या है कि कुछ लोगों को कॉल नहीं गया था, मिल गया था, उन्हें बताया गया था, और नहीं आने गया, कुछ लोगों को कॉल ना जाने के बावजूद भी वो लोग यहाँ पर अपियर हो गए थे, और खुद से लोगों को यहाँ पर, लेकिन जिन लोगों को कॉल किया था उन्होंने को इंटरनेट जान दिया गया था, लगभग सभी लोग को जान दिया, उसके बाद अंदर जाने के बाद सभी को आई कार्ड दिया गया, आई कार्ड देने के बाद रास्ता मिला सभी को, ये सब होने के बाद फिर सबको कॉन्फ्रेंस में बैठाया गया। टॉयलेट गेट करने के बाद फिर 10:30 बजे PM लाइव आए, लाइव आने के बाद इन्होंने कुछ स्पीच किया, स्पीच देने के बाद सबको 1 by 1 करके लेटर बांटा गया, लेटर बांटने के बाद फिर हम लोग को लंच दिया गया, लंच के बाद हम लोग को बुला के हम लोग को जितना भी हम लोग का फोटो था उसको पोस्ट करने को कहा गया, इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। पोस्ट करने के बाद एक छोटा सा मिनी वीडियो बनाया गया हम लोग को, उसमें बताना था अपना एक्सपीरियंस कैसा लगा, तो बताने के बाद फिर हम लोग को बोला गया कि आप जा सकते हैं। जी अंसारी भाई, अगर बात करें तो आज जो भी छात्र आज जो बुलाए गए थे, तो क्या इसमें जितने छात्र थे सब चैनल 1 के थे या चैनल 2 को भी छात्र बुलाया गया था? जहाँ तक जितने लोगों से मैंने पूछा था, तो उन लोग सभी जो है फर्स्ट पैनल के निकली है, सारा जाबाद मिलेंगे, और तो मैंने जितना भी कैंडिडेट आए थे सब सारे फाइनल 1 के ही थे। अच्छा, जो आने जाने का जो भी प्रबंध था, क्या रेलवे के द्वारा आप लोग फैसिलिटी थी कि आने जाने के जो किराया हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, सबको खुद के बोला जाना,
ऐसा कुछ नहीं किया गया था। नॉर्मल अभी की वीडियो से पता चला था टूरिस्ट लॉज के बारे में, वहीं जाके ठहरे थे। अच्छा, इसके बाद और भी ठीक ठाक है जो कि करेक्टर सर्टिफिकेट के लेकर बहुत सारे युवा बोल रहे थे कि जो करेक्टर सर्टिफिकेट था वो यहाँ फिर वापस भेज दिया जा रहा है कि जाइए आप करेक्टर सर्टिफिकेट का सिग्नेचर करा के लेकर। इसमें दो तरह के सर्टिफिकेट है, एक तो करेक्टर सर्टिफिकेट है जिसमें दो करेक्टर ऑफिसर साइन करवाना, और एक उसमें सर्टिफिकेट है कि लास्ट इंस्टीट्यूट जो अटेंड किया गया कैंडिडेट जहाँ पे लास्ट पढ़ाई करके निकला है वहाँ के हेड से पहले डिपार्टमेंट से साइन करवाना। और तो मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वाइनिंग आज से कर सकते, खाली वही चीज़ आके आपको फिर से मैंने जब आप ज्वाइन करेंगे तो जब तक बुलाया आपको 10 दिन का टाइम दिया, 10 दिन में आके आप लोग ज्वाइन करेंगे। तो आपको कौन सा डिपार्टमेंट अवेलेबल है? लोको शेड मिलेगा भैया आपके लोको शेड। भैया आपका मेडिकल कितने का लगता है बताइए? मेडिकल था A2C1। आपका भी A2C1। तो आपका भी ट्रेन था, आप लोग दोनों एक साथ अभी पटना से। तो भैया थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, और आपका भविष्य उज्ज्वल हो ऐसी हम कामना करते हैं। और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकारी भैया आपका भी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे साथ भाई जुड़े हुए थे, और जो एक्सपीरियंस था इनका रोजगार मेला को लेकर आज, तो उनका एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया। फ्रेंड्स वीडियो को अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।